यह है एक सेल। यह सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब यह सेल कैसे काम करेगा, किस तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, यह सारा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ होता है इसके डीएनए में। तो यह है इसका डीएनए। हर तरह का इंफॉर्मेशन इस सेल के बारे में यह यहां पर स्टोर्ड होता है। अब ये जो डीएनए होता है, ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। जब ये मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, तो इस पूरे रीजन को, इस मेम्ब्रेन बाउंड पूरे रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियस। लेकिन हर सेल में ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया जैसे बहुत ही प्रिमिटिव कुछ सेल्स में डीएनए तो होता है, डीएनए होता है, लेकिन उसके बाहर का जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो ये जो न्यूक्लियर रीजन है, ये न्यूक्लियर रीजन बड़ा ही वेग सा होता है, क्लियर नहीं होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है। तो इसीलिए अब हम इसे न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, बल्कि इसे हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड। तो यहां पर दो अलग अलग तरह के सेल्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोमिनेंट डिफरेंस हमें दिख रहा है। एक में क्लियर न्यूक्लियर रीजन है और दूसरे में बड़ा ही वेग न्यूक्लियर रीजन है। एक में मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ है डीएनए, और दूसरे में ये डीएनए ओपन है, साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रहा है। इस हिसाब से हम लोग इन दोनों सेल्स को अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। इस तरह के सेल्स को, जो सेल्स आपके अंदर है, मेरे अंदर है, कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधों के अंदर है, उस तरह के सेल्स को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जहाँ पर कोई क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है, जहाँ पर न्यूक्लियॉइड होता है, एक वेग रीजन होता है, उस तरह के सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह में बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के क्रिएचर में हमें दिखता है। आज का जो वीडियो है वो न्यूक्लियस पे ओरिएंटेड है, तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियस पे। यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, यहां पर होगा एक मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, आप देखिए, ये मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, दो लेयर है, एक ये लेयर और दूसरा ये लेयर। तो सबसे पहले तो ये घिरा हुआ होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अब अगर एक लेयर का एक छोटा सा हिस्सा हम कंसीडर करते हैं और इसे हम जूम इन करके देखते हैं, तो हमें यहां पर दिखेगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड का दो लेयर। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ही बना हुआ है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से ही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मान ले ये और ये इसका मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एक ही लेयर से बना हुआ है, सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड का दो लेयर तो है, लेकिन उसका एक ही लेयर से सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी का दो लेयर से बना हुआ होता है, ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर। तो पहले लेयर को, बाहर वाले लेयर को हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर वाला जो लेयर है, इस लेयर को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इन शॉर्ट हम इनर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे कि कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसी तरह से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक और तरह का फ्लूइड मिलता है जिसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये डीएनए को घेर के रखता है, तो ये डीएनए जो है, ये क्रोमेटिन फॉर्म में होता है न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल का डिवीजन नहीं होता है, उस समय ये क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है, और डिवीजन होते समय, जब ये डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उससे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उस समय ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। देखिए, फिलहाल इस क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा बहुत और हमें जानना जरूरी है कि डीएनए के साथ क्रोमेटिन का रिलेशन कैसा है। तो डीएनए, जैसे कि आपको पता है, ये डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। ये बहुत ही फेमस इमेज है, आपने इस तरह का डबल हेलिक्स फॉर्म देखा होगा डीएनए का। तो ये एक डीएनए है, ये बहुत 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 लंबा होता है, हमने एक छोटा सा हिस्सा इसका ड्रॉ किया है।
अगर हम इसे जूम आउट करते हैं तो ये हमें एक धागा जैसा दिखेगा। जूम आउट कर रहे हैं हम लोग तो ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, पतला होते जाएगा, तो ये एक धागा जैसा हमें दिखेगा। अब ये धागा, ये जो डीएनए है, दिस इज डीएनए, ये जो धागा आपको दिख रहा है दिस इज डीएनए, ये डीएनए 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को रैप करके रखता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन है, देखिए अलग अलग कलर से अलग अलग हिस्टोन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है। इसी का दो लेयर है, ऊपर एक लेयर और यहां नीचे एक लेयर है। यहाँ हिस्टोन का जिस तरह का मॉलिक्यूल होता है वो होता है H2A, H2B, H3, H4, तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स होता है। इसी से ये जो हिस्सा है ये बना हुआ होता है और इसी के चारों तरफ डीएनए इसे घेर के रखता है और ये बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर होता है और यही होता है क्रोमेटिन, जो आपको यहाँ पर दिख रहा यही है वो क्रोमेटिन। अब न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसे कि कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ये जो है ये न्यूक्लियोलस है, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये आरएनए बनाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए बनाता है, खासकर राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये राइबोसोम क्रिएट करता है, जो राइबोसोम की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाले हिस्से में, दैट मीन आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये चिपका हुआ होता है और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खुरदरा बनाता है। ये जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, जो कि न्यूक्लियोलस में बनता है, ये न्यूक्लियोलस से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते समय इसे रास्ते में कौन मिलता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दो लेयर्स मिलता है, दैट मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है। हमें पता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने नहीं देता है, ये हमने जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था तब हमने इस पे बात किया था। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसके थ्रू पार नहीं हो सकता है, तो उसके लिए बना होता है ऐसे इस तरह का चैनल्स। तो यहाँ से आरएनए बनता है और इस चैनल से बाहर निकलता है और इस चैनल से बाहर से बहुत सारे प्रोटीन्स भी अंदर जा सकते हैं। तो ये जो चैनल्स हैं, ये जो पोर्स है, इन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ऐसे देखिए बहुत सारे पोर आपको मिलेगा, यहाँ पोर है, यहाँ पोर है, यहाँ पोर है, यहाँ पोर है, तो इन सब जगहों से क्या होता है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है। खासकर अंदर से आरएनए बाहर निकल पाता है यहाँ से और बाहर से बहुत सारे प्रोटीन्स अंदर जा सकता है। तो ये तो था कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो। अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस का पार्ट तो नहीं है लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ चूंकि जुड़ा हुआ होता है इसीलिए इसे न्यूक्लियस के साथ ही ड्रॉ किया जाता है और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, सेल न्यूक्लियस का। अब ये जो न्यूक्लियस है ये काम क्या करता है, तो हमने इस पे बात कर लिया है कि किस तरह का काम ये करता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होता है कि सेल किस तरह से काम करेगा, यही सारा इन्फॉर्मेशन, कैसा प्रोटीन ये सिंथेसाइज करेगा और ये किस तरह का काम करेगा। और चूंकि ये डीएनए, ये जो क्रोमेटिन है, ये चूंकि न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है तो हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियस ही पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। हम कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इसे कोऑर्डिनेट करता है और इसे गाइड करता है। और साथ ही साथ जब सेल डिवीजन होता है उस समय न्यूक्लियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि सेल जब डिवाइड करता है, एक सेल जब दो सेल में स्प्लिट करता है, उस समय सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यही गाइड करता है, यही न्यूक्लियस ट्रिगर करता है कि कब सेल डिवाइड करे। तो न्यूक्लियस प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और सेल डिवीजन में मदद करता है या इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब जैसे हमने शुरुआत में ही बात किया था कि यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल्स जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है। तो कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बना, ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो फिर ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिर अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का, दैट मीन स्टैंडर्ड 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।